नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। आधार कार्ड अब स्टॉल बुकिंग के आधार पर देगा सेवाएं। सभी आधार कार्ड धारकों के लिए अहम सूचना। आधार कार्ड के आधिकारिक वेबसाइट ने बीते दिन सभी आम नागरिकों के लिए एक जरूरी ऐलान किया है, जिसके तहत UIDAI के अनुसार लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आधार अब स्लॉट बुकिंग के आधार पर सेवाएं देगा। लॉकडाउन जैसे मुश्किल समय में भी आधार से जुड़ी सेवाएं जारी है। लॉकडाउन 4.0 लगने के बाद UIDAI ने ट्वीट करके कहा है कि जो हर आधार कार्ड धारक के लिए जाना जरूरी है। ट्वीट में लिखा गया है कि डियर ऑल, लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन के अनुसार जैसे ही राज्य सरकार या जिला अधिकारी अनुमति देते हैं, हमारे रजिस्ट्रार आधार सेवाएं बहाल करने की पूरी तैयारी में है, जिससे कि आम नागरिक अब एम आधार ऐप या UIDAI के आधिकारिक वेबसाइट appointments.uidai.gov.in या फिर bookappointments.aspx पर अपॉइंटमेंट लेकर आधार से जुड़े अपने जरूरी काम करवा सकते हैं। यानी ऊपर बताई गई वेबसाइट के जरिए स्लॉट बुक करने के बाद ही यूजर आधार सेंटर पर जा सकते हैं। ज्ञात हो UIDAI का यह नियम आधार सेंटर्स पर भीड़ ना हो इसको ध्यान में रखकर लागू किया गया है। अपने पिता के पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने किया उन्हें याद। आज राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1991 में की जान ले ली गई थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री के 69वें पुण्यतिथि पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और उनके बेटे राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया है कि एक सच्चे देशभक्त, उदार और परोपकारी पिता के पुत्र होने पर मुझे गर्व है। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव जी ने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। अपनी दूरदृष्टि से देश को सशक्त करने के लिए उन्होंने कई सारी जरूरी कदम उठाए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं और कृतज्ञता से उन्हें सादर नमन करता हूं। सिर्फ राहुल गांधी ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया पर थैंक यू राजीव गांधी कैंपेन शुरू किया है। कांग्रेस ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि राजीव गांधी वो व्यक्ति है जिसने युवा भारत की नब्ज महसूस की है और हमें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। वह आदमी जो युवा और बूढ़ों की जरूरत को समझता था, जिससे सभी प्यार करते थे। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी ट्वीट कर उन्हें याद किया है। नेपाल के नए नक्शे पर भारत ने दी अपनी प्रतिक्रिया। नेपाल सरकार द्वारा लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में दिखाए जाने के बाद भारत सरकार ने अब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके तहत विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी क्षेत्र पर इस तरह के दावे को भारत स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आगे कहा है कि नेपाल सरकार ने जो आधिकारिक नक्शा जारी किया है उसमें भारत क्षेत्र को दिखाया गया है। नेपाल की यह हरकत ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। राम मंदिर के समतलीकरण और खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां और मंदिर के अवशेष, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई थी। हालांकि कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण इसके निर्माण कार्य को थोड़े समय के लिए टाल दिया गया था, मगर अब एक बार फिर से इसकी बैरिकेडिंग हटाने के लिए समतलीकरण और खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके दौरान खुदाई करने वालों को जमीन के नीचे से कई सारी मूर्तियां मिली हैं। वहीं मंदिर के अवशेष भी मिलने लगे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि समतलीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। 11 मई से चल रहे समतलीकरण कार्यक्रम के दौरान जहां हाईकोर्ट के आदेश पर ASI ने खुदाई करवाई थी, वहां और आसपास के इलाकों में काफी संख्या में पुरावशेष, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश आदि कलाकृतियां निकली हैं। अब तक 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ, 5 फुट के नक्का शिनुमा शिवलिंग और मेहराब के पत्थर आदि भी बरामद हुए हैं। 1 जून से 200 ट्रेनों के परिचालन की प्रक्रिया होगी शुरू। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेलवे ने 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेन की लिस्ट जारी की है, जो 1 जून से चलाई जाएगी। इसमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसे लोकप्रिय ट्रेनों के नाम शामिल है। इससे पहले रेलवे ने अपना एक बयान जारी करते हुए यह बताया था कि यह ट्रेनें पूरी तरह से वातानुकूलित है, यानी कि इसमें AC और नॉन AC दोनों तरह के कोच होंगे जो पूरी तरह से रिजर्व्ड होंगे। कोई भी अनरिजर्व्ड इन ट्रेनों का परिचालन नहीं कर पाएगा। वहीं इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। वहीं आज सुबह 10 बजे से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों में सभी यात्रियों को सीट उपलब्ध कराई जाएगी। रिजर्व्ड जनरल कोच के लिए सेकंड क्लास के बैठने वाली सीट का किराया लगेगा। ट्रेनों के लिए टिकट IRCTC की वेबसाइट से बुक कराया जा सकेगा। ट्रेनों पर सवार होने के बाद किसी भी यात्री को टिकट नहीं दिया जाएगा, इसलिए बेहतर है कि वही यात्री ट्रेन पर जाए जिनके पास टिकट कंफर्म हो। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के माहौल में सुझाया 50 दिन बंद और 30 दिन छूट का फॉर्मूला। कोविड-19 वर्तमान समय में पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं भारत में भी लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन मामलों में होती बढ़ोतरी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के रोकथाम के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सुझाव दिया है, जिसके तहत वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि जब तक कोविड-19 का इलाज नहीं ढूंढ लिया जाता, तब तक देशों को 50 दिन बंद और 30 दिन छूट का नियम अपनाना चाहिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के शोधार्थी राजीव चौधरी और उनकी टीम ने अध्ययन में यह फॉर्मूला सुझाया है। इसके मुताबिक 50 दिन तक सख्ती बनाई जाए जिसमें किसी तरह की छूट नहीं हो। इसके बाद 30 दिन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों के साथ बंद को खोल दिया जाए। इस तरह कम से कम 1.5 साल तक और अर्थव्यवस्था को रफ्तार लाने में मदद मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार द्वारा कैश नहीं दिए जाने पर दिया बयान। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संबोधन के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था।
इसके कई दिनों तक रोज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस पैकेज के हर हिस्से को विस्तार से समझाया कि किसको क्या मिलेगा, जिसके बाद निर्मला सीतारमन ने बीते दिन एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में मोदी सरकार द्वारा कैश ट्रांसफर नहीं किए जाने पर अपना बयान साझा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बंद के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई थी, जिसके तहत मोदी सरकार ने कैश ट्रांसफर किया था। हालांकि उसके बाद भी सरकार ने अपने विकल्प बनाने और ट्रांसफर करने के लिए जो तरीका सूझा वही तरीका अधिक प्रभावी साबित हुआ है। इसका अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने बैंक, बिजनेस और वर्किंग कैपिटल के माध्यम से लोगों तक पैसा पहुंचाने का फैसला लिया था। वहीं निर्मला सीतारमन ने अपने दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा है और कहा है कि जब वह यूपी सरकार पर इतने सवाल खड़े कर रही हैं तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि यूपी में 300 ट्रेन पहुंची है जबकि छत्तीसगढ़ में 5 से 7 ट्रेन ही पहुंच पाई है। HCL ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती नहीं करने का किया ऐलान। जहां एक ओर COVID-19 की वजह से बंद के चलते कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है, वहीं अपने कर्मचारियों की सैलरी कई सारी कंपनीज काट रही हैं। वहीं HCL टेक्नोलॉजी अपने करीब 1.5 लाख कर्मचारियों के सैलरी में कटौती नहीं करने का ऐलान जारी किया है। यहां तक कि उन्हें पिछले साल का बोनस भी देने का फैसला जारी किया गया है। देश की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी HCL कंपनी के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ने कहा है कि कंपनी के प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुए, लेकिन नए प्रोजेक्ट में कुछ जरूर देखने को मिली है कि हालांकि कंपनी को अच्छे सारे ऑफर्स भी मिले हैं और करीब 5,000 लोगों की जरूरत है, जिसके लिए वह रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हम मानते हैं कि जो बोनस हम कर्मचारियों को दे रहे हैं वह उनके पिछले 12 महीने के काम का नतीजा है और हमने जो वादा अपने लोगों से किया है उसे पूरा करेंगे। यहां तक कि 2008 की मंदी के दौरान भी हमने किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी थी और हम अभी भी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यूपी बिहार को मिले सबसे ज्यादा पैसे। COVID-19 की वजह से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है, वहीं अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज केंद्रीय ड्यूटी में राज्यों के हिस्से का निर्धारण करते हुए उनके लिए 46,063.70 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसके सबसे ज्यादा फायदे यूपी बिहार को मिला है। यूपी के लिए 8,255.19 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि बिहार के हिस्से में 4,631.96 करोड़ रुपए गए हैं। वहीं सबसे कम सिक्किम को मिले हैं, जो 178.64 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को 3,461.65 करोड़, पंजाब को 823.16 करोड़ रुपए, गुजरात को 1,564.40 करोड़, झारखंड को 1,525.27 करोड़, मध्य प्रदेश को 3,630.30 करोड़, महाराष्ट्र को 2,824.47 करोड़ और राजस्थान को 2,752.65 करोड़ रुपए दिए गए हैं। WHO ने भारत सहित 4 देशों में COVID-19 के सबसे तेज फैलने के प्रभाव की कही बात। भारत में बड़ी तेजी से COVID-19 अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर WHO ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि COVID-19 के पूरे मामले में से 2/3 मामले सिर्फ भारत, अमेरिका, रूस और ब्राजील में दर्ज किए गए हैं। अगर किसी देश को ऐसा लग रहा है कि COVID-19 का संक्रमण ढलान की ओर है तो वैसा ना समझे। जैसे जैसे अमीर और विकसित देश बंद से उभर रहे हैं, संक्रमण गरीब देशों में फैल रहा है। हमें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। इससे पहले WHO ने यह भी साफ कहा था कि एड्स की तरह ही काफी लंबे समय तक हमारा हिस्सा COVID-19 बनकर रहने वाला है, इसलिए सभी देशों को इसके साथ रहने की आदत डालनी चाहिए। वहीं इसके संक्रमण को भी रोकना होगा। अभी 24 घंटे में भारत में 6,000 मामले देखने को मिले थे, जिसके बाद दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। BCCI अगले महीने से शुरू कर सकता है ट्रेनिंग कैंप। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण पूरे देश में लॉकडाउन अपने चौथे चरण में है। इसी बीच पिछले 2 महीने से खाली पड़े क्रिकेट मैदान में जल्द ही हलचल देखने की उम्मीद जताई गई है। खबरों की माने तो बंद के चौथे चरण में खेलों की समिति को छूट दी गई है, जिसके बाद इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि जून में BCCI भी खेल गतिविधियां शुरू करवा सकता है। इसमें खिलाड़ियों की ट्रेनिंग प्राथमिकता हो सकती है। हालांकि BCCI ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए यह साफ कहा है कि बंद के चौथे फेज की एडवाइजरी आने के बाद ही हम आगे की रणनीति बनाएंगे, लेकिन सरकार ने अब थोड़ी रियायत दे दी है। इसके बाद BCCI ने भारतीय क्रिकेट में गतिविधियां अगले महीने बेंगलुरु क्रिकेट एकेडमी में शुरू करवाने की उम्मीद जताई है, जिसके बाद घरों में मार्च से ही बंद खिलाड़ी मैदान में एक बार फिर से प्रैक्टिस करते नजर आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। COVID-19 के तेजी से बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए आपके विचार में कौन कौन से उपाय करने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।